सीख लिए हैं, अभी हम उसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है कि सामयिक, अखबार, उसमें से चुटकुले ढूंढने हैं और आपको वह चुटकुले हैं वह लिखने हैं। फर्स्ट, सुरेंद्र। नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। सेकंड, नौकर और मालिक। तो नौकर, मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। अंकल और आरती। अंकल, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? यहाँ मैंने ये तीन चुटकुले दिए हैं, आप और चुटकुले ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखना। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ एक परिच्छेद दिया है, उस परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढने हैं और उसके अर्थ वह लिखने हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी का आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। अब इसमें से मुहावरे, आँखों का तारा तो बहुत प्यारा वाक्य, गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। सेकंड, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना वाक्य, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। थर्ड, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना वाक्य, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते। फोर्थ, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। फिफ्थ, नज़र चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना वाक्य, अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया। सिक्स्थ, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना वाक्य, मालकिन नौकर पर आग बबूला हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। सेकंड, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा। थर्ड, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। फोर्थ, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। फिफ्थ वन, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। सिक्स, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेवन, सेठ दुकान में बैठे है, तो सेठानी दुकान में बैठी है। एट, अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ रही है। नाइन्थ, पंडित रामायण सुनाने लगे, तो
पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10th, लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ एक शब्द दिया है, उन शब्द में से आपको चार वाक्य है बनाने के हैं। फर्स्ट, घर। मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। सेकंड, बाग। बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ। यह बाग बहुत सुंदर है। 3rd, नदी। हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है, गंगा पवित्र नदी है। 4th, दोस्त। गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। 5th, पसंद। मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। 6th, कहानी। मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है, गुरु जी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। क्वेश्चन नंबर 5, कहावत का अर्थ लिखिए और उसको उदाहरण देकर समझाइए। 1st, अकलबड़ी या भैंस। शरीर का बड़ा होने की अपेक्षा अकलबड़ी होती है। उदाहरण, कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इस तरह अक्ल सूक्ष्म होती है, पर सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का झलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। 2nd, आसमान से गिरा खजूर में अटका तो एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। उदाहरण, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भत्के करवा कर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति आई। 3rd, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उदाहरण, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे, बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 4th, जो गरजते हैं वो बरसते
नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। उदाहरण, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिफ्थ, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। उदाहरण, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की झंझीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब हम इसे क्या कहेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू।